केजरीवाल, इसी धरती शिवानी की धरती। तो मैंने आते हुए पूछा कि सर शिवानी यहां से कितने किलोमीटर है, कहते मेरा गांव ऐसा गांव है भगवंत, कभी हिसार डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, कभी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, मैं तो इनका सांझा हूं, सबका सांझा हूं। तो देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी। हमारी हरियाणा की टीम, तमर साहब बैठे, हमारी पूरी टीम बैठी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे बूथ इंचार्ज बैठे हैं यहां पे। जैसा कि स्टेज पर बोलते हुए कहा गया, ये रैली नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस वाले या दूसरे कोई इसको रैली ना समझ लें, ये तो हमारे एक वॉलंटियर मीटिंग है, वॉलंटियर मीटिंग है। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, दिल्ली में भी पूछते थे, पंजाब में भी पूछते थे, कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा जी आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, लोग प्यार कर रहे हैं। कहते जी आप सर्वे में तो आ नहीं रहे, टीवी के किसी भी सर्वे में आ नहीं रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, ये तो सीधा सरकार में ही आती है, हम तो सीधा सरकार में ही आते हैं भाई साहब। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ, किसी सर्वे में नहीं आए, हम सरकार में आए। क्योंकि जो जगह दिलों में बनी होती है वो किसी सर्वे में नहीं आ सकती। जो दिलों से प्यार, दिल से प्यार जो आप अरविंद केजरीवाल जी को करते हो, और आपके बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है, कोई झूठ नहीं बोल रहे, पंजाब से बहुत से लोग यहां पे आए हुए हैं। भाई साहब दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल जीरो किए हैं, आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। यह आम आदमी पार्टी है, वो आता था ना एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास पर आए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार बनी वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, पंजाब में जीरो बिजली का बिल, ना रणजीत चौटाला आता है ना कोई एक्सियन आता है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है, ये हमारी गारंटी है, वहां पे गारंटी दी थी हमने। तो इन पर यकीन मत करें, ये खट्टर साहब कह रहे हैं ये भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये इधर उधर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। खट्टर साहब आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप किस मुंह से कहीं कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं, नीयत साफ चाहिए। इनकी नीयत नहीं अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और हर रोज नए से नया झूठ, नया झुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की झुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे झुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में, वो झुमले आपको बेचेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर बात झुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं, पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है,
15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी जुमले ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को बेच रहा था भाई, कहां बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची? और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है, पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब, लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये पब्लिक है। लोगों से कोई बड़ा नहीं है, ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है। हम दो बार जीत गए, इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब, बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जी, आम लोग हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नहीं डरते इनसे। इनकी होंगी कोई मजबूरियां, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत करोगे तो किसी बात से काने हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई साहब, दिल्ली में राज चल रहा है, पिछली बार 67 थी, इस बार 63 है, पंजाब में 92 है, और अच्छा चल रहा है, 1.5 साल हो गया पंजाब में, 1.5 साल में 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब, 35,000, और लाखों की गिनती में प्राइवेट सब आ रहे हैं, टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़े बड़े कंपनियां पंजाब में आ रही हैं कि हम पंजाब में अब अपना स्टील प्लांट लगाएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे सारे, क्योंकि पंजाब में पहले जब आते थे हम, जब बादलों का कैप्टनों का राज होता था, कि जब हम पहले आते थे तो एक परिवार से मिलते थे, अब जब हम आते हैं तो पंजाब से मिलते हैं, ये बात का फर्क है भाई साहब। इन्होंने परिवार पाले, इन सब ने अपने परिवार पाले, हम देश को पालने की बातें कर रहे हैं सर। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम भी हमारे चाचा ताया छोटे बड़े भाई हो। जनता को भूल जाते हैं, पहले हाथ जोड़कर सेवा मांगते हैं, सेवा का मौका दीजिए, पहले 1.5-2 महीने हाथ जोड़ते हैं भाई साहब इलेक्शन के समय, उसके बाद 4.5 साल पब्लिक हाथ जोड़ती रहती है, एक बार तो मिल लो, मिलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप जाते हो इन नेताओं के घर पे, मंत्रियों के घर पे, पंचकूला में, चंडीगढ़ में, आप बता दीजिए हरियाणा वालों, दरवाजा खुलने की बात तो छोड़ो, चाय पानी पूछने की बात तो छोड़ो, घर के आसपास भी फटकने देते हैं? नहीं ना। मंत्री मिलता है आपको जब जाते हो यहां से चंडीगढ़, 10,000 रुपया लग जाता है, 5,000 जाते हुए 5,000 आते हुए खर्चा हो जाता है, नहीं मिलते। जो एक इनका पीए होता है, वो छोटी सी एक विंडो रखी होती है पब्लिक के लिए,
उसको खोल के बोलता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। चलो कुंडी बंद यार, मिल तो लो नहीं मिलते कोई बात नहीं। हरियाणा वालों कदे दादे दिया कदे पोते दिया, ला फिर हुण थोड़ी वारी आऊगी। अब ये आपके घरों के कुंडे खटखटाएंगे, इलेक्शन आ रही है, अब बदला ले लेना, घर का अंदर से कुंडा मत खोलना और ये बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाहर आना, ताकि इनको भी पता चले कि किसी घर से खाली खाली वापस जाने का कितना दुख होता है, इनको भी पता चले। इन्होंने ठेका ले रखा है, 5 साल मैं 5 साल तू, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, चलो पब्लिक का क्या है। सो हम पब्लिक से हैं, हम आम घरों से हैं, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि आम घरों के बच्चे मंत्री क्यों बन गए, मुख्यमंत्री क्यों बन गए। ये तो हमारी मिन्नतें करने वाले हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही बनते हैं, हमारे बच्चे बनते हैं, हमारे भतीजे बनते हैं, हमारे बेटे बनते हैं। ये बारी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दी है, यही यही बस दुख है। तो इसलिए पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई, एक नंबर दे रखा है हमने पंजाब में, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है लोगों को, किसी भी दफ्तर में जाओगे कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगता है तो जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं फोन निकालना, थोड़ी सी उसकी वीडियो और उसकी फोटो खींचकर इस नंबर पर डालना, बाकी हमारा काम है उसको जेल में डालना।